अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके रीडिंग्स टेबल में लगाएंगे। इससे पहले चार क्लिप्स आपको पहले मिल चुकी है, इसका क्या क्या किस तरह परफॉर्म करना है, बाकी डाटा क्या है, एरर टेस्ट निकालना बताया हुआ है। इसमें मैं टेबल में रीडिंग लगाना, वर्री कैलिपर का यूज़ करके टेबल में रीडिंग करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो अब जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से सपोज आ गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और वॉल्यूम के लिए फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v इक्वल है पाई आर स्क्वायर एल। तो रेडियस इसमें एक चीज आ रही है और एक इसमें लेंथ आ रही है, तो रेडियस हम लोग लेंथ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग डायमीटर निकालेंगे सिलेंडर का और इस सिलेंडर की लेंथ निकालेंगे और फॉर्मूला में लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। उससे पहले हम लोग ये टेबल यूज करेंगे सर। टेबल कैसे करना है ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब सबसे पहले मैं इसकी जैसे लेंथ निकालने जा रहा हूँ, तो ये सिलेंडर को मैंने यहाँ पर अंदर फिक्स किया। फिक्स करने के बाद मैं पढ़ूंगा मेन स्केल रीडिंग। अब जो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास बनी है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। जैसे ये मैंने मिलीमीटर में अगर बनाया होगा 26 मिलीमीटर हो गए, तो मेन स्केल रीडिंग 26 हो गई। अब वर्नियर स्केल डिवीजन बात करते हो, वर्नियर स्केल डिवीजन की यहाँ पर रीडिंग नंबर 0 मिल रही है, तो यहाँ पर मैंने बात कर दी कि वर्नियर स्केल रीडिंग नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 0 आ गई। फिर लीस्ट काउंट के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लीस्ट काउंट जो हमारा था, यानी ये 0 मल्टीप्लाई 0.05, तो आंसर यहाँ पर आ गया 0। तो फिर इस f को और n दोनों को ऐड करके यहाँ पर जब ऐड किया तो ये पूरा 26 ही इधर आ गया। फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जैसे कोई भी जीरो एरर नहीं है, तो फिर ये हमारे पास इसका जब जीरो क्वेश्चन की तो जीरो एरर जीरो है, तो जीरो में इसको प्लस या माइनस जब करेंगे 26, तो ये जैसे हमारे पास एग्जैक्ट 26 ही आंसर आ गया। 26 मिलीमीटर हमारे पास सिलेंडर की वो आ गई लेंथ। एक रीडिंग हमारे पास हो जाएगी कंप्लीट। दूसरी रीडिंग के लिए क्या बात करेंगे, जैसे ये सिलेंडर मैंने इंस्ट्रक्शन में इसमें ऐड किया था, तो यहाँ से इसको ओपन करके सिलेंडर को थोड़ा सा घुमा लेंगे, थोड़ा सा घुमा के दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेंडर को दोबारा ऐड किया, दोबारा ऐड करके रीडिंग पढ़ेंगे, तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो 26 ही दूसरी रीडिंग में आ गई है, 26 मैंने लिख दिया। और वर्नियर स्केल रीडिंग इस वक्त हमारे पास आ गई है 1, तो ये आ गई 1। अब जब इस 1 को यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0.05, तो ये आंसर आ गया 0.05। फिर आप इसको और इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड किया 26.05 आ गया, तो जीरो कोई भी नहीं था, तो इसलिए 26.05 ये दूसरी रीडिंग मेरे पास हो गई। अब तीसरी रीडिंग के लिए इसको निकालेंगे, निकाल के दोबारा थोड़ा सा और मूव करके तो फिक्स कर देंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ज्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ये मैंने अगली रीडिंग ली, तो फिर इसमें मेन स्केल रीडिंग 26 आ गई और नंबर ऑफ डिवीजन जो है मेरे पास वो 0 आ गई, और जब इसको मल्टीप्लाई किया इसको के साथ ये भी 0 बन गया, तो ऐड किया ये 26 बन गया। फिर तो जीरो फ्रैक्शन की ये 26 पूरा, फिर इन वैल्यूज का मीन ले लेंगे हम लोग। ये हमारे पास तीन वैल्यू होगी ना लेंथ के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लेंथ यानी एल इक्वल ले लेंगे तीनों, इनका यानी मीन ले रहे होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं मीन एल इक्वल एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री बाय थ्री, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब तीनों को ऐड किया 3 पे डिवाइड किया, तो अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ऐसे सपोज रीडिंग लिख दो। तो ये जैसे मेरे पास आ गई 26.03, ये मैंने लिख दिया, ये मिलीमीटर में हमारे पास ये लेंथ आ गई। अब ये मैंने सपोज लिखा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखी मैंने, कैलकुलेटर का यूज नहीं, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया मैंने, ऐसे लिख दी मैंने। अच्छा, ये मीन एल हो गया हमारे पास लेंथ। अब बात करते हैं डायमीटर की, तो सिलेंडर को ये बीच में फिक्स कर लेंगे, फिक्स करके रीडिंग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास लाइन नंबर 9 आ गई मेन स्केल की, तो ये 9 मिलीमीटर आ गया, और वर्नियर स्केल की लाइन नंबर 4 मिल रही है, तो ये लाइन नंबर 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसको जब लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई 0.05, तो ये जैसे आ गया थी 0.2। अच्छा, फिर जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 9.2। फिर उसके बाद एरर कोई नहीं है, तो फिर 9.2 भी आ गया। दूसरी दफा के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन किया, ओपन करके थोड़ा सा उसको
किसी और जगह से, यानी पहले सेंटर से किया और थोड़ा सा हट के इसको यहाँ से मैं इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ। फिर से अगर रीडिंग पढ़ता हूँ तो ये जैसे मेरे पास पूरी लाइन नंबर 9 ही आई है और ये फिर लाइन नंबर 4 ही आई है, तो यहाँ पर जैसे 0.2 भी आ गया फिर ये 9.2 आ गया, यहाँ पर इसका मीन निकाला तो ये भी 9.2। तीसरी रीडिंग लेनी है तो फिर वही सेल का थोड़ा सा नीचे उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो किसी में ऐसी स्पोज लिख देता हूँ जैसे ये ही आ, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर बाद ये 2 ये 3, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे मीन डायमीटर यानी डी, ये इक्वल किसके आ गया यहाँ पर d1 प्लस d2 प्लस d3 बाय 3, तो तीनों वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर बना जैसे ये बन गया 9.2 मिलीमीटर। ये बन गया इतनी बात, आप क्योंकि ये हमारे पास है डायमीटर है तो हमें फार्मूला भी चाहिए रेडियस, तो इसका रेडियस बना लेंगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो r इक्वल d बाय 2 बन गया, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया 9.2 बाय 2 किया तो ये जैसे बन गया 4.6 मिलीमीटर। मैं ऐसे स्पोन लिख रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आप लोगों को रीडिंग लिख दी, जैसे ये 4.6 ये मेरे पास रीडिंग बन गई मिलीमीटर की, मिलीमीटर में रेडियस की। अब रेडियस भी आ गया, लेंथ भी आ गया और ये हमारे साथ पाई की वैल्यू है तो फिर पाई भी लिख लेते हैं, जैसे पाई हमारे पास 3.14 होता है तो ये पाई की वैल्यू भी होगी, फिर फॉर्मूला का रीडिंग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, तो वी इक्वल है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर लेना, तो रेडियस हमारे पास जैसे 4.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, जैसे ये लेंथ है तो ये जैसे लेंथ है तो ये आ गई 26.03। ये सारे कैलकुलेशन करके आंसर बन जाएगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास वॉल्यूम में आ जाएगा। और इसका अगर मैं यूनिट बताना चाहूँ आपको तो यूनिट क्या है, ये भी मिलीमीटर है और ये भी मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला मिलीमीटर स्क्वायर बन जाएगा और एक मिलीमीटर ये सारे मल्टीमीटर होंगे तो ये बन जाएगा मिलीमीटर क्यूब, ये यूनिट आ जाएगा सारा।